भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक दांड ने कहा कि कांग्रेस विधायक रणदीप सुरजेवाला काफी समय से कैथल विधानसभा से बाहर निकलने का मौका तलाश रहे थे। भाजपा सरकार द्वारा कैथल में करवाए जा रहे विकास कार्यों से वे स्वयं को कमजोर महसूस कर रहे थे। वर्ष 2014 के आम चुनाव से लेकर अब तक केवल विधानसभा में उनका महज 6 बार उपस्थित होना है। यह प्रमाण पेश कर रहा है कि उनको इलाके की जनता के हितों से कहीं सरोकार नहीं था। इस बात जो आपने बात रखी है, इस बात का जवाब खुद कैथल के स्थानीय विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला को कैथल की जनता से देना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आप लोगों की बात 4.5 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विधानसभा में केवल वो 6 बार गए और 6 बार भी वो जाकर के उसने कितने क्वेश्चन कैथल की जनता के लिए, कैथल की जनता को सुविधाएं देने के लिए, उन परियोजनाओं के लिए 6 बार जाने के पश्चात उन्हें कितने क्वेश्चन लगाए और उन क्वेश्चन कितने क्वेश्चन लगे और जितने क्वेश्चन लगे उनका जो आंसर भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने मंत्रियों ने जिस समय दिया, क्या वो उस समय मौजूद थे या नहीं थे, ये कैथल की जनता को भी सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ कैथल की जनता के साथ कैथल विधानसभा के विधायक कुठाराघात कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। जब उन कैथल की जनता ने उनको चुना है तो उनको कैथल में रह करके कैथल की जनता के हित की आवाज़ उठानी चाहिए। वो इस बात को दरकिनार करके महीने में 24 दिन 25 दिन राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको कैथल की जनता की चिंता नहीं है, उससे कोई सरोकार नहीं है। और जब बात आई तो अब वो जींद चले गए, तो जींद की जनता इस बात से भली भांति परिचित हो चुकी है, जान चुकी है कि ये व्यक्ति मौका प्रस्त व्यक्ति है। और मौका प्रस्त व्यक्ति को उसका क्या काम करना चाहिए, तो जींद की जनता बहुत ही जागरूक है, समझदार है। वो 28 तारीख को सही निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण मिड्डा जी के पक्ष में निर्णय लेगी। कलायत से रणदीप धानिया की रिपोर्ट। समय समय पर ताजा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी। We'll be right back.